हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल खोज इंडिया। मैं हूं चंदन। आज मैं आया हूं केटीएम शोरूम नोएडा केटीएम शोरूम में, क्योंकि मिस्टर आकाश मंडल और शुभदीप गांगुली आप दोनों ने कहा है कि केटीएम ड्यूक 250 का एक डिटेल वॉक अराउंड करने के लिए और इसके साथ इसका प्राइस, इसी फाइनेंस स्कीम बताने के लिए। तो चलिए, मेरे सामने है ये केटीएम ड्यूक बिल्कुल BS6 कंप्लाइंट इंजन के साथ 2020 एडिशन। तो क्या है इस बाइक में और इसका जो ऑनर प्राइस है वो क्या है, और अगर आप ये बाइक इजी फाइनेंस स्कीम में लेना चाहते हो तो उसके लिए क्या स्कीम है, तो डिटेल में बताऊंगा। चलिए मेरे साथ और देखते हैं ये बाइक ब्रांड न्यू KTM ड्यूक 250। सबसे पहले आप ये बाइक को एक बार पूरी तरह से देख लीजिए कैसा है। मुझे ये कलर बहुत ही अच्छा लगा, ये जो कलर है ऑरेंज में भी हमने देखा ही है, लेकिन ये जो कलर है ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा दोनों में से। और इस बाइक में जो सामने से ये तो फुल्ली एलईडी है, एलईडी हेडलाइट से आप एक बार देख लीजिए कैसा है ये बाइक देखने में, सामने से, साइड से, पीछे से, सब जगह से एक बार देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ। आइए अब डिटेल कुछ स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। सबसे पहले टायर्स एंड व्हील्स के बारे में, सामने और पीछे 17 इंचेस कास्ट अलॉय व्हील इसमें है विद ट्यूबलेस टायर, और फ्रंट टायर का जो साइज है ये है 110x70 और पीछे 150x60, और जो व्हील बेस है ये है 1357 mm। और अब सस्पेंशन, सामने अपसाइड डाउन फोर्क्स इसमें है, 142 mm ट्रेवल सस्पेंशन सामने और पीछे, मोनोशॉक एब्जॉर्बर है। सस्पेंशन वाइज ये बाइक बहुत ही अच्छा है, सस्पेंशन बहुत ही बढ़िया है। और अब हार्ट ऑफ द बाइक इंजन देख लेते हैं। 248 cc सिंगल सिलेंडर, 4-स्ट्रोक, 4-वाल्व, लिक्विड कूल, DOAC, BS6 कंप्लाइंट इंजन इसमें है, एंड ऑफकोर्स स्लीपर क्लच भी आपको मिल जाएंगे। बहुत ही स्मूथ कंफर्टेबल राइडिंग आपको इस बाइक में मिल सकता है। और इस इंजन का मैक्सिमम पावर है 30 PS एट द रेट 9000 RPM, और मैक्सिमम टॉर्क 24 Nm एट द रेट 7500 RPM। कोई की स्टार्ट ऑप्शन नहीं है, सेल्फ स्टार्ट ऑप्शन ही आपको मिल जाएंगे, एंड ऑफकोर्स विथ इंजन किल स्विच, 6 गियर्स ट्रांसमिशन के साथ इस बाइक में जो मैक्सिमम स्पीड आपको मिल सकता है अप्रोक्सीमेटली 142 km/h। BS6 फ्यूल इंजेक्टेड इंजन है, परफॉर्मेंस एंड माइलेज आपको पहले से बहुत ही बढ़िया मिलेगा। और अब सेफ्टी फीचर्स, ब्रेक्स के बारे में जान लेते हैं। सामने और पीछे डिस्क ब्रेक है, और सामने जो डिस्क ब्रेक है इसका साइज है 300 mm, और पीछे जो डिस्क ब्रेक है इसका डायमीटर साइज है 230 mm। और इसके साथ आपको हाईटेक ब्रेम्बो ब्रेकिंग सिस्टम भी मिल जाएंगे, एंड ऑफ कोर्स ये बाइक विथ ड्यूअल चैनल ABS है, मतलब एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम वो भी ड्यूअल चैनल है, तो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस नो डाउट बहुत ही बढ़िया मिलेगा। और इसके साथ आपको फुल्ली डिजिटल, वेरी इंफॉर्मेटिव, सारे बेसिक इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएंगे ये इंस्ट्रूमेंट कंसोल में। दिखने में छोटा है लेकिन पावर पैक्ड है ये इंस्ट्रूमेंट कंसोल, और 13.5 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ जो माइलेज आपको ऑन एंड एवरेज मिल सकता है ये है 32-31 km/L। और ये जो फ्यूल टैंक है देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, सामने 250 लिखा हुआ है, ड्यूक 250 लिखा हुआ है, स्टिकरिंग क्वालिटी और ग्राफिक्स बहुत ही अच्छा है, एक नेकेड स्पोर्ट्स बाइक है ये ड्यूक 250।
और अब देख लेते हैं सीट कैसा है। स्प्लिट सीट इसमें है, वेरी वेल कुशन कंफर्टेबल सीट इसमें है। KTM RC सीरीज बहुत ही एग्रेसिव बाइक है, लेकिन ड्यूक काफी कंफर्टेबल बाइक है। मुझे पर्सनली KTM ड्यूक सीरीज बहुत ही अच्छा लगता है। और जो सीट हाइट है राइडर के लिए ये है 820 mm, और पिलियन राइडर के लिए जो सीट हाइट है ये है 830 mm, 10 mm ज़्यादा है, लेकिन पिलियन राइडर के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं। और 185 mm ग्राउंड क्लियरेंस के साथ जो कार्बोइड है ये ड्राई बाइक में ये है 161.9 kg। और ये नया कलर बहुत ही अच्छा लगा मुझे। ओवरऑल ये बाइक लुक्स वाइज परफॉर्मेंस वाइज बहुत ही अच्छा दिखता है, बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है। बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का कंपोनेंट्स इसमें यूज हुआ है। बहुत ही अच्छा बाइक है ये KTM ड्यूक 250। और इलेक्ट्रिकल्स 12 वोल्ट मेंटेनेंस फ्री बैटरी के साथ इसमें LED DRL हैलोजन हेडलैम्प एंड LED टेल लाइट्स। इंडिकेटर बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है, बहुत ही ब्राइट एंड प्रोमिनेंट है। और अब मैं आपको इसका प्राइस भी बता देता हूँ। इसका जो ऑन रोड प्राइस है अकॉर्डिंग टू दिस शोरूम ये है 2,46,000 rupees, ये ऑन रोड प्राइस है। और अगर आप ये बाइक इजी फिनेंस स्कीम में लेना चाहते हो तो इसके लिए आपको डाउन पेमेंट देना पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 74,940 rupees। और इसके साथ आपको 3 साल के लिए हर महीना देना पड़ेगा, ये जो EMI है ये है अप्रोक्सीमेटली 6,673 rupees। ये अगले 3 साल के लिए EMI है जो हर महीने आपको देना पड़ेगा 6,673 rupees। और इनिशियल 75,000 rupees अप्रोक्सीमेटली डाउन पेमेंट करने से आपको ये बाइक 1-2 घंटे के अंदर मिल सकता है। तो शोरूम आइए, एक बार टेस्ट ड्राइव लीजिए, उसके बाद फाइनल डिसीजन लीजिए। अकॉर्डिंग टू योर हाइट एंड वेट आप ये बाइक, वैसे लाइट वेट बाइक है लेकिन सीट हाइट जो है तो आप कैसे कंफर्टेबली राइड कर पा रहे हो ये देखना बहुत ही ज़रूरी है। 2 लाख के ऊपर ये बाइक है तो इसलिए टेस्ट ड्राइव जरूर लीजिएगा, मेरा सजेशन तो हमेशा यही रहता है। तो देख लिया सारे वॉकआउट, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा ये वीडियो। और भी कोई जानकारी आप चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए। और इसके साथ MSKTM शोरूम का नंबर जो नोएडा में है इसका नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप चाहो तो वहाँ फ़ोन करके अपॉइंटमेंट कर सकते हो, टेस्ट राइड बुक कर सकते हो। तो यही था इसी वीडियो में, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा। तो प्लीज़ लाइक बटन के ऊपर प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर भी कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बाइक रिलेटेड ए टू जेड वीडियो रेगुलरली देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब खोजी ने चैनल राइट नाउ। और सब्सक्राइब करने के बाद साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करके ऑन रखिए ताकि मैं जब बिना वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए, कोई भी वीडियो मिस मत करिए। बहुत जल्दी मिलते हैं। और हाँ, एक बात और, KTM बाइक्स राइड करते वक्त अपना राइडिंग गियर्स ज़रूर पहनिएगा, और बाइक हो या फिर स्कूटर कुछ भी लीजिए लेकिन राइड करते वक्त अपना हेलमेट पहनना मत भूलिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्दी किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।